हेलो गाइस, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़। स्वागत करता हूँ आपका फ्लाहा एकेडमी भोपाल में। और इस वीडियो में हम संस्कृत में टाइम देखना सीखेंगे, मतलब संस्कृत में कैसे बोलते हैं कि एक बज गया, दो बज गए, पौने दस बज गए, सवा ग्यारह बज गए, पाँच बजकर पाँच मिनट हैं, दस बजकर दस मिनट हैं, ये हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे। मतलब समय का ज्ञान हमें किस तरीके से हमें करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इस वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप अगर एक एक चीज़ नहीं समझेंगे तो आप कुछ बहुत कुछ मिस कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पूरा पूरा समझना पड़ेगा। रही बात ये है कि आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, इस पर कॉमेंट भी करना है और इसको शेयर भी करना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपसे बोलते नहीं हैं आप करते ही नहीं हैं, बस वीडियो देखा, एंजॉय किया और निकल लिए। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी चीज़ें लेके आऊँगा, जिससे मैं आपको हिंदी में या इंग्लिश में संस्कृत को सिखा पाऊँगा। मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, तो मैं और भी चीज़ें धड़ाधड़ लेके आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घड़ी को घटिका कहा जाता है संस्कृत में, घड़ी को घटिका, और बजने को वादनम। जैसे हम कहते हैं ना 5 बजे या 10 बजे, तो उसको वादनम कहेंगे। घंटा मीन्स आर जो होता है उसको होरा, मिनट को हम निमेषह कहा जाता है और सेकंड को क्षणम कहते हैं। इसके बाद जैसे कहते हैं साढ़े, साढ़े मतलब हाफ होता है, जैसे 6:30 बजना, जो भी आपका 6:30 होता है या हाफ जो होता है उसको सार्ध बोलेंगे। सवा बोलते हैं जो 15 मिनट होते हैं, साढ़े मतलब जो 30 मिनट होते हैं, सपाद मतलब जो सवा मतलब जो 15 मिनट होते हैं, जैसे 5:15 बज रहे हैं तो सपाद, और पादोन मीस पौने मीस 45 मिनट जो हो जाते हैं, मतलब किसी भी कुछ पे बजने में 15 मिनट जो शेष रहते हैं उसको हम पादोन बोलते हैं। इसके बाद ये अधिकम और न्यूनम लिखा है, इसको मैं आगे समझाऊंगा, इसको कैसे यूज़ करना है तभी आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे आपको कहना हो 1 बजे, आपको क्या कहना है 1 बजे, तो इसको आप बोलेंगे एक वादनम, एक वादनम। क्या बोलेंगे आप? एक वादनम। अगर आपके 2 बजे हैं, 2 बजते हैं, तो 2 बजने को आप बोलेंगे दुई वादनम, दुई वादनम। गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने इसके जस्ट पहले ही संस्कृत में गिनतियां को मैंने 100 तक गिनतियां समझाई हुई हैं, कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 100 तक को संस्कृत में क्या बोला जाता है। तो इसलिए गाइज आपको 1 से लेके 60 तक गिनतियां आनी चाहिए समय को बताने के लिए। 60 तक नहीं, 59 मतलब 59 तक आपको गिनतियां आनी ही चाहिए, क्योंकि आप मिनट जैसे 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट, इसको बताने के लिए आपको ये आना चाहिए। इसलिए आप इसके जस्ट पहले मैंने वीडियो बनाया है गिनती वाला, वो ज़रूर देखें, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस पर जाकर आप पहले वो गिनती सीख लें, क्योंकि बिना गिनती के आप ये नहीं बता पाएंगे। और अगर 3 बजे हैं तो आपको क्या बोलेंगे इसको आप? त्रिवादनम। और उसी तरीके से 4 बजे हैं तो चतुर्वादनम, 5 बजे हैं तो पंचवादनम, 6 बजे हैं तो षड्वादनम, 6 बजे हैं तो षड्वादनम, 7 बजे तो सप्तवादनम, 8 बजे तो अष्टवादनम, 9 बजे तो नववादनम, 10 बजे तो दसवादनम, 11 बजे तो एकादशवादनम, और 12 बजे तो द्वादशवादनम। तो बिल्कुल सिस्टम है, बिल्कुल सही सिस्टम है। 1 बजे है तो 1 वादनम, 2 बजे तो 2 वादनम, 3 बजे तो 3 वादनम। इसी तरीके से आपको 12 तक गिनती आएंगी, बस उसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, वादनम 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 जोड़ देना है। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पर, जहाँ पर हम कहते हैं कि 7:30 बजे हैं, 8:30 बजे, उसको कैसे लिखते हैं। अब हमें संस्कृत में कहना हो कि 7:30 मिनट हैं, कितने? 7:30 मिनट। तो 30 मिनट को क्या बोलते हैं हम? मैंने आपको बताया था साढ़े को सार्ध बोलते हैं, क्या लिखेंगे? सार्ध सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम। 5:30 मिनट हैं तो क्या बोलेंगे? सार्ध पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम। समझ में आ गई बात? तो ये जब आपको जब भी, और ऐसे तरीके अगर 6:30 मिनट बोलना है तो सार्ध षड्वादनम, अगर 1:30 मिनट है तो सार्ध एक वादनम, 2:30 मिनट है सार्ध दो दुई वादनम, सार्ध दुई वादनम। इसी तरीके से 10:30 मिनट है सार्ध दस वादनम, 11:30 मिनट है तो सार्ध एकादश
वादनम, अगर 12:30 हैं तो सार्ध द्वादश वादनम। तो गाइज आपको ये समझ में आ गया कि साढ़े मतलब 30 मिनट का कैसे हमें समझाना है। अब हम आते हैं सवा पर, सपाद पर। जैसे आपको कहना है 12:15 हुए हैं, 12:15, तो 15 मिनट मतलब होता है सवा, सवा को बोलते हैं सपाद, तो बोलेंगे सपाद द्वादश वादनम। सपाद द्वादश वादनम मतलब पहले आपको वो लिख देना है, सवा है तो सपाद। अब जैसे आपसे बोला है 1:15 का बताएं, तो क्या हो जाएगा सपाद 1 वादनम, सपाद 1 वादनम। सवा दो को क्या बोलेंगे, सपाद 2 वादनम। अगर आपको सवा 4 को बोलना है तो सपाद चतुर्वादनम, सपाद चतुर्वादनम। सवा 5 को बोलना है तो सपाद 5 वादनम। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से हमने पढ़ लिया है साढ़े और सवा। अब हम आते हैं पौने पे। किस पे आएंगे, पौने पे। पौने को हम पादोन पढ़ते हैं, पौने को क्या पढ़ते हैं, पादोन। जैसे हमें बोलना हो 12:45, तो इसको हम पौने एक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम ध्यान देने वाली बात है, इसको हम बोलेंगे पौने एक। क्या बोलेंगे, पौने एक। तो पौने को इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे पादोन, पादोन 1 वादनम, पादोन 1 वादनम। अगर 1:45 इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको हम पौने दो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम पौने दो। तो इसको कैसे बोलेंगे, पादोन 2 वादनम। और उसी तरीके से पौने तीन को बोलेंगे पादोन 3 वादनम, पौने 4 को बोलेंगे पादोन चतुर्वादनम, पौने 5 को बोलेंगे पादोन 5 वादनम, पौने 6 को बोलेंगे पादोन 6 वादनम, पौने 7 को बोलेंगे पादोन 7 वादनम, पौने 8 को बोलेंगे पादोन 8 वादनम, पौने 9 को बोलेंगे पादोन 9 वादनम, पौने 10 को बोलेंगे पादोन 10 वादनम, पौने 11 को बोलेंगे पादोन 11 वादनम, पौने 12 को बोलेंगे पादोन 12 वादनम। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे 1:02 को क्या बोलेंगे, या 10:12 को क्या बोलेंगे, या 3:06 को क्या बोलेंगे, हम सीखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 1:01, 1:01 मतलब 1 से 1 अधिक हुआ था। यहाँ पर हम अधिकम का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, अधिकम का, मतलब 1:01 ज़्यादा हुआ है, तो आप लिखेंगे 1 अधिकम 1 वादनम। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपको 59 तक गिनती आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जब मिनट की बात कर रहे हो, निमेषय की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या होना है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा आना चाहिए। अब जैसे आप देखेंगे 2:05 है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 2:05 को आप ले 5 ज़्यादा है तो आप लिखेंगे 5 अधिकम 2 वादनम, 5 अधिकम 2 वादनम, 5 अधिकम 2 वादनम। अब जैसे ये हो जाए 3:19 हो जाए, 3:19, तो क्या लिखेंगे आप, 19 को बोलते हैं 9:10 और 3 वादनम, 9:10 3 वादनम, 9:10 3 वादनम। समझ में आ गया। लेकिन एक और तरीका, न्यूनम कब यूज़ करते हैं ज़रा समझिएगा। जैसे लिखा है 2:41 लिखा है, जैसे 2:41 लिखा है, मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि 3:00 कितने मिनट की देर है, 3:19 की देर है, 3:19 की देर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखो 3:19 की देर है, तो क्या लिखेंगे, 9:10 3 वादनम, मतलब कि 19 मिनट का देर है 3:00। जैसे ये लिखा हुआ है 7:58, तो इसको मतलब क्या है कि ये 2 मिनट की देर है 8:00, तो क्या लिखेंगे आपको, 2:00 कितने बजने में, 8:00, 2:00 8 वादनम, 2:00 8
बाद नम। इसी तरीके से अगर मान लो कि ये लिखा हो आपका 6:45 लिखा है, क्या लिखा है 6:45, मतलब 7:15 की देर है, तो क्या लिखेंगे पंचादश न्यूनम सप्त बादनम, पंचादश न्यूनम सप्त बादनम। तो इसी तरीके से आप पूरा समय ज्ञान इस तरीके से बता सकते हैं। तो अगर अधिक 1:00 हो रहे हैं तो अधिकम यूज़ करो, 1:00 में इतनी देर है तो वो न्यूनम यूज़ करेंगे, बादनम। बाकी आपको सार्ध सपाद पादोन तो पता ही है, निमेश पता ही है, होरा पता ही है। तो इसी के साथ आपका जो समय ज्ञान तक आई, जो आपको 10th क्लास तक या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें हम कई बार गलतियाँ कर देते हैं, तो वो या गलतियाँ अब आपसे नहीं होंगी। तो इसी तरह से अगर आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा था, बिल्कुल पूरा समझ गए होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be moody.